हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कान मास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। काइन मास्टर ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहां से आपको नारेसु 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। दोस्तों, यहां से आपको एक वीडियो क्लिप को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्टों को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इस वीडियो क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों आप अपनी फोटो को भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पर 10-12 फोटो को या वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 10-12 वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने का आपको फर्स्ट पोजिशन पर आना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक साउंड वाली वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। तो गाइस, आपको इस तरह से साउंड वाली ब्लैक स्क्रीन वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से नीचे चले जाना है। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है एस्ट्रक आइडो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो का साउंड निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा साउंड निकल कर आ चुका है। अब गाइस, आपको इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ब्लैक स्क्रीन वीडियो डिलीट हो जाएगी। अब गाइस, आपको वीडियो को इस तरह से जूम कर लेना है। इस तरह से आपको वीडियो को जूम करना है। गाइस, आपका जो ये साउंड है, यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा ज़्यादा साउंड आ रहा है, यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। इस तरह से गाइस, आपको वॉलपेपर को कट कर देना है। तो आपको फिर से वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। अब जहाँ से आपका ये साउंड ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। इस तरह से गाइस, आपको सभी वॉलपेपरों को कट कर लेना है। तो जहाँ से आपका साउंड ये ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है इस तरह से। तो चलिए हम सभी वॉलपेपर को कट कर लेते हैं। गाइस, आपको नीचे साउंड में देखते जाना है और वॉलपेपर को कट करते जाना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सभी वॉलपेपरों को यहाँ पर कट कर दिया है। कट करने के बाद आपको फर्स्ट पोजीशन पर आना है। आपको फर्स्ट वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्लिप ग्राफ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। गाइस, अगर आप यहाँ से नीचे जाकर गेट मोर पर क्लिक करके कॉल मी डीजे वाले इफेक्ट को डाउनलोड करेंगे, आपको एक कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया है, उसमें मैंने बताया है कि आप सिर्फ एक मिनट में कॉल मी डीजे वाली इफेक्ट को कान मास्टर ऐप में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको उस वीडियो को देख लेना है और कॉल मी डीजे वाले इफेक्ट को कान मास्टर ऐप में ऐड कर लेना है। इस तरह से आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको तीसरे वाली क्लिप के हाफ इसको इसमें लगा देना है। इस तरह से आपको तीसरे नंबर वाली क्लिप के हाफ इसको इसमें लगा देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है।
सेकेंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद क्लिप गैप इस पर क्लिक करना है। कॉल मीडिया वाली क्लिप गैप इस पर क्लिक करना है। चौथे नंबर वाली क्लिप गैप इसको इसमें लगा देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको तीसरे और चौथे नंबर वाली क्लिप गैप इसको सभी वॉलपेपर में लगा देना है। तो चलिए हम लगा देते हैं। इस तरह से आपको भी सही वॉलपेपर में लगा देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सही वॉलपेपर में कॉल मी डीजे वाली क्लिप गैप इसको लगा दिया है। आपको भी इसी तरह से सही वॉलपेपर में कॉल मी डीजे वाली क्लिप गैप इसको लगा देना है। आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट कर लेना है। इस तरह से आपको इसको जूम आउट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अभी कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इसको लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस इफेक्ट वीडियो को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आप इसको खींचकर इस तरह से फुल स्क्रीन में इसको लगा सकते हैं। आपको यहाँ से नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के ऑप्शन के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपकी जो वीडियो की एक्स्ट्रा लेयर है आपको इन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी। इस तरह से आपको सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अच्छे तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस इस वीडियो को आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो गाइस आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।